स्टूडेंट, माई सेल्फ विशेष अधवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। इन दिनों में हम अपन जूनियर अकाउंटेंट और स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, और लगातार अपन MCQ वीडियोस बना रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा चलिए इसके क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। आज भी अपन 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से क्या कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा? गुड सेल करना, फिक्स एसेट्स को सेल करना, करंट एसेट से वसूली करना, या डिवेंचर्स पे पैसे का मिलना? देखिए सर, गुड्स आप आए दिन सेल करते हैं तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। करंट एसेट से जो वसूली होती है समथिंग डेटर्स वगैरह से या BR का कलेक्शन वगैरह, तो वो भी होता रहता है, तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसमें फिक्स एसेट्स को बेचना इसका आंसर है कि इसका आंसर रहने वाला है। हमें सर ये पता है कि जब अपन फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं या अगर अपन कोई लोन वगैरह लेते हैं तो इनसे जो प्रोसीड आती है, इनसे जो पैसा आता है, उसे ही अपन कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कैपिटल एसेट्स आ गई, कब आएगी? जैसे अपन फिक्स एसेट्स को बेचेंगे तो, या अगर अपन कोई लोन वगैरह लेंगे तो, या अगर अपन कोई इक्विटी इशू करेंगे तो ऐसा जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? क्या ये इनकम है? नहीं, ये इनकम नहीं है, तो मतलब ये ट्रेडिंग PNL में तो आ ही नहीं सकता, मैन्युफैक्चरिंग में तो हरगिज़ नहीं आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ये बैलेंस शीट में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका आंसर ए रहने वाला है। क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट इज कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, मनी रिसीव्ड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मनी रिसीव्ड फ्रॉम डिवेंचर्स, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। देखिए सर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। सबसे पहले तो देखो कि ओनर है, ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, ऐसा वो रोज रोज नहीं करता, कभी कभार ही ऐसा होता है। तो बिजनेस के अंदर पैसा आता है और ऐसा रिसिप्ट कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है। इसी तरह से डिवेंचर को इन्होंने इशू किया, उससे जो पैसा आया वो भी कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि डिवेंचर्स भी कभी कभार ही इशू होते हैं। इसी तरह से डिवेंचर्स या शेयर्स या बॉन्ड्स, इन सबको सिक्योरिटीज़ कहते हैं। जब हम उन सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो कभी कभी हमें प्रीमियम मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, ये भी नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, दैट इज़ ये भी बार बार नहीं मिलता, तो ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो वैसे इसका आंसर तो आ ही गया कि इसका आंसर बी। बाय द वे, रेवेन्यू रिसिप्ट इसे क्यों कहेंगे? देखिए, मनी रिसीव्ड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स अनुबंध किए जाते हैं और वो टूटते भी हैं। कई बार हम अपना अग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाते, कई बार सामने वाली पार्टी अग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाती, और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, टूट जाता है, तो एक दूसरे को कॉम्पनसेट किया जाता है। ये बहुत ही रेगुलर है इन बिजनेस वर्ल्ड, इट इज़ वेरी रेगुलर। तो अगर हमें कुछ मिल गया तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और कभी इस चक्कर में हमारा कुछ लग गया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। जो सेकंड आइटम है वो आपकी रेवेन्यू नेचर की आइटम है, बाकी कभी कभार होती है, वो सब कैपिटल नेचर की है। चाहे ओनर की कैपिटल हो, वो कभी कभी लगाता है डिवेंचर इशू को, या सिक्योरिटीज पर प्रीमियम का मिलना हो, सब कैपिटल। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अमाउंट रिसीव्ड बाई इशूइंग सिक्योरिटीज। देखिए, अगर आपने कभी भी फिक्स्ड असेट्स को बेचा तो उससे जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, या कभी भी आपने कोई लोन लिया, या जिसको बोरो करना बोलते हैं, उधार लिया, तो उससे जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। तो अब फिक्स एसेट्स और या इन्वेस्टमेंट को भी अगर आप सेल करते हो तो वो रिसिप्ट भी कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो ये वाला आपका कैपिटल रिसिप्ट है, फिक्स एसेट्स को बेचना भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है, सिक्योरिटी इशू करना, ये आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ गुड्स, देखो एक वर्ड होता है रेगुलर, रेकरिंग, बार बार ये चीज़ होती है, रेगुलर वे में होती है, ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है। तो गुड्स बेचना तो क्या है, आपके लिए बहुत नॉर्मल बात है, तो ये क्या है, आपकी
रेवेन्यू रिसिप्ट, तो आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, इसे क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीन, ये आपका कैपिटल है, ब्रोकरेज पेबल ऑन परचेज ऑफ शेयर, ये भी आपका कैपिटल, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, ये आपका रेवेन्यू आइटम है, और रिपेयर चार्जेस ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर, ये इसको अपन कैपिटलाइज करेंगे। वन बाय वन समझ लेते हैं। देखिए, आपने कोई मशीन परचेज की, कोई प्लांट परचेज किया, अब ऑब्वियस ही बात है आप उसे इंस्टॉल करवाओगे, इंस्टॉल करवाओगे तभी तो आप उसे काम में ले पाओगे। तो कोई असेट, रूल समझ लीजिए, कोई रूल रूल नहीं, कोई असेट जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाती, कोई भी असेट्स को जब तक हम यूज करने की स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक उस पर जो भी खर्चा होगा वो सब उसकी कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। तो मैंने कहा कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, इसे टेक्निकली बोलते हैं कैपिटलाइज किया जाएगा। तो टिल पुट टू यूज, जब तक चीज को आप इस्तेमाल नहीं करने लग जाते, जब तक वो टिल पुट टू यूज से भी ज़्यादा वर्ड अच्छा वर्ड है रेडी टू यूज, जब तक असेट रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाती, तब तक जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह से सपोज करो आपने पुराना फर्नीचर खरीदा, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा, तो क्या होगा, वो यूजेबल नहीं होगा, तो आपने तुरंत उसकी रिपेयर कराई होगी। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब थोड़ा इसमें लिखना चाहिए था इनको, रिपेयर चार्जेस वाइल परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जब इन्होंने पुराना फर्नीचर खरीदा उस समय जो रिपेयरिंग चार्जेस होगा, तो वो जो होगा सर वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हिंदी में साफ लिखा है कि पुराने फर्नीचर को खरीदने के समय रिपेयरिंग पे जो खर्चा होगा उसको आप कैपिटलाइज करेंगे। एक बार चीज आ जाती है, समझिएगा, एक बार चीज आपके पास आ गई, 6 महीने बाद, 12 महीने के बाद उसकी आप रिपेयर कराओगे, तो वो आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन परचेज के तुरंत बाद जो इमीडिएट रिपेयर होती है रेडी करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए ताकि हम उसे यूज कर सकें, तो वो आपका कैपिटल है। के बाद जैसे बी पॉइंट में था, आपने है ना कोई शेयर्स खरीदे, तो आप ऑब्वियसली बात है ब्रोकर को ब्रोकरेज भी दोगे, दलाली दोगे, तो वो आपके शेयर्स की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाकी हम बिजनेस के लिए लोन लेते ही हैं, लोन का इंटरेस्ट हम पे करते ही हैं, तो ये आपका एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट ऑन लोन रेवेन्यू। नेक्स्ट इज कैपिटल लॉस इज, यानी इनमें से कौन सा ऐसा लॉस है जो कभी कभार होता है, सेलिंग इन्वेस्टमेंट बिलो द कॉस्ट, ये बिल्कुल ऐसा कभी कभी होता है कैपिटल, गुड्स को बेचते समय लॉस होना हो जाता है, बैड डेट्स भी होता रहता है, डेप्रिसिएशन भी होता रहता है। तो ये जो तीनों हैं लास्ट वाले, ये तो आपके रेवेन्यू लॉस की कैटेगरी में है, क्योंकि देखो बिजनेस होगा तो सेल होगी तो क्रेडिट पे भी होगी और बैड डेट्स भी होगा, तो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, रेवेन्यू लॉस है। इसी तरह से अगर आप असेट को यूज़ करोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा या रेवेन्यू लॉस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदे थे, सपोज आपने 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे और आपको फिर 180,000 में बेचने पड़े, तो आपको लॉस लगेगा, कैपिटल लॉस की कैटेगरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, इसे कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में माना जाएगा, यानी भारी भरकम एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। पैकिंग चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। एनुअल फीस फॉर द रिन्यूअल ऑफ पेटेंट, ये भी आपका रेवेन्यू चार्जेस है। एक्सपेंसेस ऑन चेंजिंग पार्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। देखिए अगर आपके पास असेट्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे असेट्स हैं, तो हर साल उनके रिपेयर मेंटेनेंस पे पैसा खर्च होता ही है, तो ये बहुत ही रेगुलर से आइटम है और रेवेन्यू आइटम में कैटेगराइज होगी। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। पहले अगर आप गुड सेल करते हैं तो पैकिंग वगैरह करवाते ही हैं, तो वो भी आपकी रेगुलर रेवेन्यू आइटम है। इसके अलावा अगर आपने कोई पेटेंट राइट ले रखे हैं, तो एक आप रूल याद रख लीजिए कि असेट्स को जब हम खरीदते हैं तब तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, चाहे टेंजिबल असेट्स लें चाहे इनटेंजिबल असेट्स लें, उस समय तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
लेकिन उसके बाद जब उसका हम रिन्यूअल कराते हैं, साल दर साल उसका रिन्यूअल कराते हैं, उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। एक होता है असेट को या किसी को अक्वायर करना, पहली बार उसे हासिल करना, तब जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन एक बार जब उसे अपन हासिल कर लेते हैं तो उसे बनाए रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक बात करते हैं कि अगर कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जो आपके कहीं नंबर ऑफ असेट्स को बढ़ा दे, अगर कोई एक्सपेंडिचर आपके नंबर ऑफ असेट्स को बढ़ा दे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से अगर खर्चा करने से आपकी कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, खर्चा करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, क्या एफिशिएंसी बढ़ती है, और एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो ऐसा खर्चा भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लास्ट पॉइंट में यही हुआ है, जहाँ आपने मशीन के कुछ पार्ट चेंज किए, इससे अल्टीमेटली ये होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। 8th क्वेश्चन, रेवेन्यू लॉस इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। ठीक है, अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं और फेस वैल्यू से कम पे इशू करते हैं तो ऐसा लॉस कभी कभी होता है, तो ये जो लॉस होगा ये आपका कैपिटल लॉस की कैटेगरी में आएगा, कभी कभी होता है। इसी तरह से अगर अपन किसी कंपनी को या कहीं किसी रनिंग बिजनेस को खरीद लेते हैं और काफ़ी पहले खरीद लेते हैं, इन द सेंस कि जैसे हमने किसी कंपनी का बिजनेस अप्रैल से खरीद लिया और कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ वो मान लीजिए जून में हुआ, हमने बिजनेस अप्रैल और मई में भी ले रखा था, दैट इज कंपनी कानूनी रूप से जन्म होने से पहले, कॉर्पोरेशन से पहले ही हमने उसका बिजनेस टेक ओवर कर दिया था, तो इन दो महीनों में प्रॉफिट भी अगर होगा तो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर लॉस भी होगा तो उसे अपन कैपिटल लॉस कहेंगे। खास तरह की पोजीशन है बहुत। इसके अलावा अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हो, लोगों के पैसे लौटाते हो, और उस समय अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो वो जो लॉस होगा, ऐसा लॉस भी कभी कभी होता है, ऐसा लॉस कहलाएगा कैपिटल लॉस। अब तो पहला एग्जांपल बचता है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आप कह सकते हैं कि सर ये लॉस भी तो कभी कभी होता है, पर देखिए सर गुड्स हम खरीदते ही हैं, गुड्स को हम बेचते ही हैं, बेचते समय भी अगर हमें लॉस होगा, बाय द वे बेचते समय भी लॉस होगा तो भी वो रेवेन्यू लॉस होगा, और अगर गुड्स में आग लग जाती है, ऑल्दो ऐसा होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, थोड़ा सा इसका जो नेचर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर है, लेकिन इसे अपन रखेंगे रेवेन्यू लॉस की कैटेगरी में ही। बाकी के जो सारे एग्जांपल हैं वो आपके कैपिटल लॉस के एग्जांपल हैं, माल का जल जाना आपके लिए रेवेन्यू लॉस की कैटेगरी में। टैक्सेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यस, कैरिज चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, वेजेस ऑन परचेज ऑफ मटेरियल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, भाड़ा तो आप रेगुलर वे में देते ही देते हैं, माल खरीदेंगे भाड़ा पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करना भी बहुत रेगुलर आइटम है, रेकरिंग आइटम है कि आप लोन लेंगे तो इंटरेस्ट आप पे करेंगे। इसी तरह से अगर आप मटेरियल परचेज करेंगे तो आप जो बंदा लेबर होगा उसको आप वेजेस भी पे करेंगे, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल एंड रेगुलर। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं वो तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे। अब डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है, कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया जो है तो बेसिकली रेवेन्यू कैटेगरी का, लेकिन जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा समय के लिए मिलेगा, यानी एक्सपेंसेस का बेसिक नेचर रेवेन्यू नेचर है, पर उसके अंदर एक खासियत है या खास बात है कि उसका बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा समय के लिए मिलेगा। तो जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट या स्पेशल एडवर्टाइजमेंट इसका परफेक्ट एग्जांपल है, कि जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत लार्ज स्केल पे अपना विज्ञापन किया और इस विज्ञापन का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा, आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग्स करा दी, आपको लगता है कि 5 साल तक आपका विज्ञापन होता रहेगा, तो वैसे तो आपका पैसा खर्च हो गया, किसी असेट्स का क्रिएशन नहीं हुआ,
क्योंकि असेट का क्रिएशन नहीं हुआ तो आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसका जो बेनिफिट है, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको एक साल तक मिलता है, लेकिन इस वाले का बेनिफिट आपको मोर देन अ ईयर मिलेगा, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी है। तो इसलिए इसको अपन कहते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सर डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, जब कंपनी बनती है, कंपनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत सारे लीगल एक्सपेंडिचर होते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनवानी पड़ती है, प्रिंट करानी पड़ती है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो उस समय जो खर्चा होता है वो शुरू शुरू में होता है, इसलिए उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। अब ऐसे खर्चे का बेनिफिट आपको ता उम्र मिलेगा। अगेन, ये सब एक्सपेंडिचर करने से किसी असेट्स का क्रिएशन नहीं होता, क्योंकि असेट्स का क्रिएशन नहीं होता तो आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं बोल सकते, ये मेजर बात समझिएगा। लेकिन फिर भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको अपकमिंग ईयर्स में मिलेगा, आने वाले कई वर्षों तक आपको उसका लाभ मिलेगा। होप आप समझ गए हैं। तो ये आपका डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। तो सर, अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। तो कॉमर्स वाला पार्ट है जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे, उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोस। अब जैसे 100 MCQ वीडियोस तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन YouTube, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोस अपन और करेंगे, जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो एक टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है, उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ताकि आपके एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन यू डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएँ, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के प्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं, तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर। डुअल लैंग्वेज में यानी समझे, जैसे मैं अभी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था, तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत जीरो से पढ़ाने की आदत है, तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है, उसमें
आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे। तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे। जितनी, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको जाइए जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, आपके क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। 11वां क्वेश्चन, एन ओल्ड मशीन वाज परचेज फॉर 50,000, पुरानी मशीन हमने 50,000 में खरीदी। इमीडिएटली 30,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, तुरंत उसकी रिपेयरिंग भी खर्च की। एंड फर्दर 20,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर ऑन 1st of October। के बाद 6 महीने के बाद अपन ने रिपेयरिंग पे 20,000 और खर्च किए। अ प्रॉफिट वाज बुक्ड फॉर 10,000 ऑन सेल प्रोसीड्स ऑफ द मशीन, हमने 10,000 प्रॉफिट दिखाया है अपनी पुस्तकों में। व्हाट इज़ द कैपिटल रिसिप्ट ऑन द सेल ऑफ मशीन, ये कहता है कि मशीन बेचने से कितना रुपए का कैपिटल रिसिप्ट हुआ होगा। तो ये बात तो सच है कि जब हम मशीन को सेल करेंगे उस पर जो पैसा आएगा उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। अब बात करते हैं कि मशीन को बेसिकली अपन ने कितने में लिया था, 50,000 में, और 30,000 रुपये हमने तुरंत खर्च किए, तो इस मशीन की जो कॉस्ट है वो 80,000 मानी जाएगी। आप कहेंगे कि सर 20,000 और भी खर्च किया, तो 20,000 और खर्च किया था वो 6 महीने बाद खर्च किया था, तो 6 महीने बाद जो रिपेयर हुई थी वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होगी और उसे अपन मशीन की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। अगर मैं आपको अकाउंटेंसी टर्म में बताऊं तो जब आपने बाद में जो खर्च किया है 20,000 रुपया, उसके लिए आपने कैश को CR किया होगा और ऊपर आपने रिपेयर को DR किया होगा। और जब शुरू शुरू में आपने मशीन को ख़रीदा था उस समय आपने मशीन टू कैश एंट्री करी होगी। हालांकि असल बात यह है, पहले जो अपन ने खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसलिए आपने मशीन टू कैश वाली एंट्री करी, और पीछे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इसलिए आपने रिपेयर टू कैश वाली एंट्री करी। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि 80,000 की मशीन को आपने बेचा है और आप ये कह रहे हैं कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो डेफिनेटली आपने उसे 90,000 में बेचा होगा और ये जो रिसिप्ट होगी इसे कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन का आंसर 90,000 रुपया है, 90,000 इज कैपिटल। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट विच इज कैपिटल प्रॉफिट, निम्न प्राप्तियों में से कहाँ पे आपको पूंजीगत लाभ हुआ है? पहला है कि अगर आपने प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, होल्ड पर रखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक। देखिए, अगर आप स्टॉक को बेचेंगे तो ये बड़ा आसान है, इसको बेचने पे जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, लेकिन आपसे इसमें कैपिटल प्रॉफिट पूछा है तो ये तो इसका आंसर कतई नहीं है क्योंकि ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। प्रॉफिट फ्रॉम रिकवरी ऑफ बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जो पैसा आपका पहले डूब गया था और उसकी रिकवरी हो गई, तो उससे भी जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि पैसे का डूबना रेवेन्यू लॉस और उसका पैसे का वापस रिकवर हो जाना रेवेन्यू प्रॉफिट। प्रॉफिट फ्रॉम इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम, वेल अगर आप सिक्योरिटीज यानी इशू करते हो लाइक शेयर डिबेंचर, उसे आप इशू करते हो और आपको प्रीमियम मिलता है तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। जो पैसा मिलता है, जैसे सपोज करो आपको 2,00,000 की जगह 2,20,000 मिला, तो जो पैसा मिलेगा उसे कैपिटल रिसिप्ट में कैटेगराइज करेंगे और आपको जो प्रॉफिट हुआ इससे हुआ वो आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी ही है। ये थोड़ा सा फंसाने वाला सा क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने जब ये कहा था ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इसका इनका सेंस ये हुआ कि ये आए दिन उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो शेयर्स और वगैरह को खरीदते हैं उसको रीसेल करने के लिए, उनका काम होता है जल्दी से शेयर्स वगैरह खरीद लेना और मौका देख के तुरंत से उनको बेच देना, तो इट इज़ लाइक दैट उनके लिए रेगुलर एक्टिविटी हो जाती है, उससे जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो इन सब में से जो सबसे ज़्यादा सही आंसर है वो कैपिटल प्रॉफिट वाला आंसर, आपका डी वाला आंसर है। कहता है कि विच इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग,
इनमें से डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? फर्स्ट इज हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रिपेयर ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड मोटर कार फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। अगर आपने कार खरीदी, सेकेंड हैंड कार खरीदी और उसको सर्विस में लाने के लिए, दैट इज उसे चला पाने के लिए आपने उस समय भरी भरकम खर्चा किया, तो वो तो कार की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन, आपने एक नई मशीन को इंस्टॉल करवाया, पे जो खर्चा होगा वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि वो उसे रेडी टू यूज़ करने के लिए है। हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर अ सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये डेफिनेटली डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं आपको एक और तरीके से भी बताता हूँ, ऑप्शन लिख लीजिए। हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेंटिंग ऑफ अ न्यू फैक्ट्री, आपने एक नई फैक्ट्री खरीदी और आपने नया नया काम शुरू किया है, आपने उसका इनॉग्रेशन वगैरह किया होगा, तो पर पेंटिंग वगैरह खर्च किया, तुरंत ही कर दिया होगा क्योंकि नई नई फैक्ट्री खरीदी है, तुरंत ही खर्चा कर दिया होगा, तो ये उसकी कॉस्ट में तुरंत चला जाएगा, फैक्ट्री के कॉस्ट में ही जुड़ जाएगा, उसको भी हमें कैपिटलाइज कर देंगे। यहाँ आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिए पहले पॉइंट में आपने कार खरीदी तो आपके लिए एक असेट्स क्रिएट हो रहा है जिसकी एक रीसेल वैल्यू है, सेकेंड पॉइंट में आपने मशीन खरीदी में भी आपका एक असेट क्रिएट हो रहा है जिसकी एक रीसेल वैल्यू है, लास्ट एग्जांपल में भी एक फैक्ट्री क्रिएट हो रही है जो कि एक असेट है जिसकी एक रीसेल वैल्यू है। लेकिन आप पॉइंट में देखिए, पॉइंट में आपने विज्ञापन पे पैसा खर्च कर दिया, सोचो कि अगर अगले ही पल हम सोचें कि हमें बिजनेस नहीं करना, तो अब इसका कुछ भी रीसेल वैल्यू नहीं है, आपने जगह जगह विज्ञापन कर दिया पर उसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है, तो मतलब इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की खासियत ये होती है कि उससे एक असेट्स क्रिएट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स क्रिएट होती है जिसकी एक रीसेल वैल्यू होती है। लेकिन डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेजर बात यही है कि उसमें किसी असेट्स का क्रिएशन नहीं होता, इसीलिए अपन उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं रखते, तो फिर वो कहाँ चला जाता है, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खास बात यह है कि उनका बेनिफिट एक साल तक होता है, लेकिन इसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर होता है, तो फिर एक तीसरी कैटेगरी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब हमने कह दिया कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है सिंस असेट्स क्रिएशन नहीं हो रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है सिंस इसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा समय के लिए मिलता है, तो फिर एक तीसरी ही कैटेगरी क्रिएट होती है कॉल्ड डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड हैवी एडवर्टाइजमेंट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एडवर्टीज। 14th क्वेश्चन है, अ मोटर कार कॉस्टिंग 2 लाख रुपी वॉज सोल्ड फॉर 2,50,000 रुपी, इट्स बुक वैल्यू वॉज 120,000 एट द टाइम ऑफ इट सेल, वॉट इज कैपिटल कॉस्ट। इम्पॉर्टेंट आसान बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपके पास बेसिकली एक कार है, ठीक है, वो जो कार है बेसिकली वो 2 लाख रुपए की थी, वो जब हमने ली थी तब 2 लाख की थी, आज के दिन वो 120,000 की है, ये उसकी बुक वैल्यू है, इसका मतलब है कि इतने साल में अपन ने 80,000 रुपये उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, इसको डेप्रिसिएशन या ज़्यादा सही वर्ड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब 120,000 की इस चीज़ को मैं एक अच्छा कस्टमर मिल गया तो अपन ने 2.5 लाख में बेच दिया, तो अपने को प्रॉफिट हुआ, 1,30,000। आप में से हो सकता है कुछ लोग सी आंसर ले लें, सी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने पूंजीगत लाभ पूछा है, व्हाट इज़ द कैपिटल प्रॉफिट, तो 130 में से कैपिटल प्रॉफिट कितना होता है, तो जो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, आपकी कॉस्ट प्राइस है 2 लाख और आपका सेलिंग प्राइस है 250,000, इसका ये जो गैप है 50,000, इसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, तो इसका आंसर जो है वो ए है, 50,000 रुपये इस क्वेश्चन का कैपिटल प्रॉफिट है। और ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा भी हो सकता था अगर वो आपसे इस क्वेश्चन में रेवेन्यू प्रॉफिट पूछ लेता, अगर रेवेन्यू प्रॉफिट पूछता तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है तो वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होता। इस क्वेश्चन में 3 प्रॉफिट वो पूछता है, अगर टोटल प्रॉफिट पहुँचे विच इज़ वेरी इजी कि बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर कर लो, 120 की चीज़ को 250 में बेचा तो 130 इज़ अ टोटल प्रॉफिट, आउट ऑफ दैट 50,000 कैपिटल प्रॉफिट है, पूंजीगत लाभ है, और बाकी का जो 80,000 है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, और हिंदी में आयगत लाभ बोलते हैं, और एक टेक्निकल टर्म होता है, टेक्निकल टर्म का नाम है बैलेंसिंग चार्ज। अगर क्वेश्चन में बैलेंसिंग चार्ज पूछा होता तो
50,000 रहा होता। बाय द वे लास्ट में इन्होंने कैपिटल प्रॉफिट पूछा है और आपका आंसर 50,000 है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, द डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग इज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, GST ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन, आपने नई मशीन खरीदी और उसके ऊपर GST चुकाया। सेकेंड है, अ हैवी अमाउंट स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड मशीन, आपने पुरानी मशीन को खरीदा और उसके ऊपर उसी समय, मतलब इमीडिएटली बोलता नहीं बट अंडरस्टूड है, परचेज के साथ जुड़ा है ना कि हमने एक पुरानी मशीन को परचेज किया और खर्चा किया, तो ये उसकी कॉस्ट में चला जाएगा, तो ये वाला एक्सपेंडिचर श्योर शॉर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इस क्वेश्चन का आपका डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और पढ़ लेते हैं आगे, अ लीगल एक्सपेंडिचर फॉर अब्यूज ऑफ ट्रेडमार्क, वेल ये आपका रूटीन एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसकी खासियत क्या होती है कि बेसिकली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा समय मिलेगा। तो आपने सोचिए कि कहीं पर आपने R&D चलाया, बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं वो R&D कैंपेन्स चलाते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैंपेन्स चलाते रहते हैं, उसका बेनिफिट उनको आने वाले टाइम में मिलता है कि उनका प्रोडक्ट लंबे समय तक बिक पाता है, वो मार्केट की नीड को समझ पाते हैं, इससे कोई असेट्स क्रिएट होता हुआ तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसका बेनिफिट आपको बिजनेस में आने वाले समय के लिए मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा होगा वो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। बाकी नई मशीन को आपने जब खरीदा पहले पॉइंट में और वहाँ आपने GST जोड़ा, वहाँ एक्चुअली आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, चाहे तो आप GST को मशीन की कॉस्ट में जोड़ सकते हैं यानी उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, और चाहे तो आप GST की सेपरेट डिडक्शन जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, वो सेपरेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो कम से कम वो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में तो नहीं आता, इसका आंसर सी रहने वाला है। क्वेश्चन 16, ₹2500 स्पेंड ऑन द ओवरहॉलिंग ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, आपने एक पुरानी मशीन को खरीदा उस समय उसकी ओवरहॉलिंग पर पैसा खर्च कराया। देखिए मैं आपको एक ऐसी बात बता दूँ, एक होता है सर रिपेयर और एक होता है ओवरहॉलिंग। जब चीज़ बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, तब जो हम कराते हैं उसे रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह बोलते हैं, लेकिन जब अपन किसी असेट्स को खरीदते हैं और ख़रीदने से पहले उसका चेक करवाते हैं कि सारे पार्ट्स ओके हैं, इसका इंजन ओके है या नहीं, दैट इज़ जो अपन प्री चेक करवाते हैं, जैसे अपन अपना बॉडी चेकअप कराते हैं उसी तरह असेट्स को ख़रीदने से पहले हम उसका चेकअप कराते हैं कि हमारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो जो होता है खर्चा उसे आप ओवरहॉलिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब ओवरहॉलिंग का जो खर्चा होगा वो आप मशीन की कॉस्ट में जोड़ देंगे। जब आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी तो पहले आपने 2,500 रुपये खर्च किए तो वो मशीन की कॉस्ट में चले जाएंगे। सपोज करो कि आपने 2,00,000 रुपये और खरीदे, 2,00,000 रुपये में मशीन खरीदी, तो आपकी जो कुल कॉस्ट है वो 2,02,500 रुपये मानी जाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ओवरहॉलिंग पे जो पैसा खर्च है उसे कैपिटलाइज करते हैं, तो असेट्स की कॉस्ट में जोड़ देते हैं और इसे अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, इसलिए ऐसा सब होता है। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा रूटीन एक्सपेंडिचर है। ट्रेड पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन आप रोज़ तो नहीं खरीदते, उसको लाने में रोज़ तो भाड़ा खर्च नहीं होता, तो ये जो भाड़ा लगा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। लीगल एक्सपेंसेस पेड टू अक्वायर प्रॉपर्टी, रोज़ रोज़ तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, और प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उसकी रजिस्ट्री भी करवाओगे तो वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा लीगल एक्सपेंस होगा वो प्रॉपर्टी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनुअल वाइट वॉश ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, अब आप कह रहे हो कि हम बिल्डिंग के हर साल पुताई या रंग रोगन कराते हैं, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए अब इसमें दो बातें समझ, आपने उसका रंग रोगन कराया या वाइट वॉश करवाया तो उससे किसी असेट्स का, एक्स्ट्रा असेट्स का क्रिएशन नहीं होता, पर आप बट आपकी असेट्स यूजेबल बनी रहती है, तो किसी असेट्स को बनाए रखने में जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। असेट्स क्रिएशन नहीं है, असेट्स की कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ती, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकता, तो ये फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही माना जाएगा, और डेफर रेवेन्यू भी नहीं है क्योंकि आपको इसका बेनिफिट बहुत साल नहीं मिलता, साफ लिखा है एनुअली आप इसकी रिपेयरिंग करवाते हैं। बाय द वे डी पढ़ लेते हैं एज अ फॉर्मेलिटी, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक ऐसा खर्चा जो आपकी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को कम कर दे, वो भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। आप इसे यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अभी आप फोटोकॉपी करवाते हैं तो आपका आए दिन रूटीन एक्सपेंडिचर होता है। बाद में आपने उसकी मशीन लगवा ली तो आपका जो डेली एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आएगी। डेफिनेटली इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, आपका लाभ वगैरह भी बढ़ेगा। तो लास्ट वाला एक्सपेंडिचर भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वाला पॉइंट असर्शन एंड रीजनिंग, किसी ने कुछ कहा और फिर आपको उसका रीजन पढ़ना है। देखें क्या कहते हैं, डैमेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कहता है कि हमें कोई माल सप्लाई करना था, हमने उसका अग्रीमेंट कर रखा था, फिर अनुबंध भंग हो गया और हमने उसको क्षतिपूर्ति दी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो नहीं, इसमें जो असर्शन जो कहने वाले ने कहा है वो गलत कहा है। रीजनिंग दी है, सच डैमेजेस आर इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बात सही लिखी हुई है। सेकेंड बात लिखी हुई है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, फर्स्ट गलत है और दूसरा सही है। फॉर एग्जाम्पल इसे अगर मैं अलग तरह से कहूँ, अगर ये असर्शन में ये कहता अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो अपन ने कंपनसेशन पे किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ऐसा इसलिए है कि ऐसा तो होता रहता है, तो ये बिल्कुल सही लाइन जमती, उसमें असर्शन भी ओके होता, रीज़न भी ओके होता। अब इसमें रीज़न तो सही दे रखा है कि ये जो हुआ है कॉम्पनसेशन अपन ने पे किया है, ऐसा बिजनेस में होता रहता है, लेकिन ऊपर इन्होंने लिखा क्या कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, तो ये फिर गलत हो गया। तो आप ऑप्शन देखिए, दोनों कथन सत्य है नहीं है, पहला कथन सही नहीं है, तो चौथा आ जाएगा। क्वेश्चन 19, अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द इन कैपेसिटी इन अ सिनेमा हॉल इज, वेल क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक मान लीजिए सिनेमा हॉल है और उसमें आपने सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, डेफर रेवेन्यू, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। देखिए अगर कोई सिनेमा हॉल है और उसमें बैठने के लिए मान लीजिए कि अभी 200 सीट्स हैं और आपने कुछ इस तरह से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाया कि अब 250 लोग एक टाइम में पिक्चर देख सकते हैं, तो आपने क्या किया, आपके इस खर्चा करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ गई और कैपेसिटी बढ़ने से एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा कोई खर्चा जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा दे या आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दे, इन अदर वर्ड्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दे या आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम कर दे। ये कुछ खास फीचर्स होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये कॉस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाएगी, मतलब फिर उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। एंड ऑफ द डे बात होती है कि अगर आपने किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो फिर आप उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बढ़िया क्वेश्चन है, नॉट इसलिए कि मैंने बनाया है, बट इट अगेन इट इज़ अ मस्ट नो क्वेश्चन। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई रूटीन एक्सपेंडिचर है और उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक्सपेंडिचर जो ट्रेडिंग P&L में जाने वाला था और उसको अगर आपने बैलेंस शीट में पहुंचा दिया तो क्या हो गया? डेफिनेट सी बात है कि अगर आप P&L का खर्चा था उसे आपने खर्चे में नहीं दिखाया तो आपने एक तरह से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया, क्योंकि आपने खर्चे को P&L में डाला ही नहीं, खर्चा P&L में गया ही नहीं, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो एक ऐसा ऑप्शन लीजिएगा कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे इस गलती से। दूसरा ये है कि उसे आपने ज़बरदस्ती बैलेंस शीट में पहुंचा दिया तो आपने असेट्स को ज़बरदस्ती बढ़ा दिया, देर आर नो सच असेट्स, बट आपने उसे अपने असेट्स मान लिया, तो आपने शुद्ध लाभों को क्या कर दिया, अधिमूल्यांकित कर दिया, और संपत्ति को अवमूल्यांकित, गलत है ये। शुद्ध लाभ अधिमूल्यांकित और संपत्ति भी अधिमूल्यांकित बिल सही है। इट विल क्रिएट ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स। तो इसका सर आंसर यही होगा, आपने खर्चा नहीं डाल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया और असेट साइड को ज़बरदस्ती इन्फ्लेट कर दिया, बढ़ा दिया, तो असेट्स भी ओवर वैल्यू कर दिए। होप सर वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आप साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप अकाउंट्स कॉमर्स से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम पे आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू भाई।